आज मंत्री जी यहाँ वहां पर तक एल्गिन नजर। चरसड़ी तटबंध और भिखारीपुर हाँ सकरौत तटबंध का निरीक्षण करने पहुंचे हैं। आइए हम जानते हैं कि आखिर उनको उनको निरीक्षण में क्या मिला। सर, निरीक्षण में क्या पाया आपने, यहाँ पर क्या रहा? क्या बाढ़ की पहले सभी तैयारी पूर्ण हो जाए उसकी हम लोग समीक्षा करने आते हैं, और हमारे बोल्डर के माध्यम से और बाकी परचून पाइप, और इस प्रकार की राज्य के अंदर लगभग 338 परियोजनाएं हमारी वर्तमान इस साल चल रही थी, जिसमें 250 के ऊपर हमारी परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी है, और शेष परियोजनाएं भी 90%, 75% हमारी पूर्ण हो चुकी हैं। पहली बार सभी परियोजनाएं बाढ़ के पहले हमारी पूर्ण हो चुकी है, और पूर्ण तैयारी हो चुकी है, हर प्रकार की तैयारी हमारी। जो श्रावस्ती है और बलरामपुर, वहां पे राप्ती नदी ने कहर बरपा रखा है, उसको लेकर के किस तरह से देखूं? देखिए, राप्ती घाघरा तो हमेशा कहर बरपाती है, लेकिन फिर भी हम लोग न्यूनतम हानि भी न हो उसके लिए हम लोग सभी परियोजनाएं ही हमारी उसके पहले कंप्लीट हो जाए, और अच्छा है कि हम लोग इस समय हमारी सभी परियोजना कंप्लीट है। कोशिश रहेगा किसी प्रकार के किसान की जनधन हानि न हो, और राज्य के अंदर बारिश भी आवश्यक है, क्योंकि बारिश नहीं रहेगा तो हमारे डैम नहीं भरे जाएंगे, जैसे सोनभद्र है, ललितपुर है, मिर्जापुर है, झांसी है, ये सब हमारे यहाँ पर डैम बने हैं। बारिश नहीं होगा तो फिर सिंचाई के लिए भी हमें कठिनाई होती है, इसलिए बारिश में बम्पर होना चाहिए, उसकी तैयारी हम लोग वैसे भी पूरी कर चुके हैं। मेन खतरा हम लोगों को होता है नेपाल और उत्तराखंड के बारिश से, कोई उत्तर प्रदेश में बारिश होने से एक जल भराव टाइप हो जाता है, लेकिन जब नेपाल और उत्तराखंड में जबरदस्त बारिश होती है और बादल फटते हैं इस प्रकार के, तब हम खतरे के ऊपर चले जाते हैं, उसके लिए हमें पूर्ण तैयारी करना पड़ता है, क्योंकि जितने घाघरा नदी हो, चाहे गंगा जी हो, यमुना जी, उधर उत्तराखंड के कारण, और इधर घाघरा, राप्ती, बूढ़ी राप्ती और सरयू, इधर नेपाल का, जब उत्तराखंड, दोनों जबरदस्त बारिश होती है तो खतरा, उसकी तैयारी हम लोग पूर्ण कर लेते सर, हैं। अभी पहली बारिश हुई है और चाहे बनारस हो, अयोध्या हो या गोंडा हो, सभी जगह जल भराव की स्थिति हो गई है। अखिलेश यादव ने कहा है कि बनारस में क्यूटो डुबकी लगा रहा है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, और कुल मिलाकर आप यहाँ स्थिति देखो, आज ये देख रहे हो सपा में काम होता था पहले, क्या सपा शासन में कभी देखा है? बाढ़ के पहले परियोजना पूर्ण हो जाए कमी सिंचाई विभाग नहीं होता था, आज 17 के बाद ये परियोजना हमारी पूर्ण हो रही है और आपको दिखाई दे रहा है, जिसके कारण बंधे हमारे सुरक्षित है, और इतने भयंकर बाढ़ आए, 7-7 लाख के ऊपर के क्यूसिक इन नदियों से हम निकाले, लेकिन न बांध पर आया और न किसी प्रकार का हमारे डैमेज हुए, उसको भी रोकने का काम किए और जनधन हानि न होने पाए, उसको लिए सुरक्षा प्रदान। गोंडा से केशव प्रताप पांडे, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।